हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में। लास्ट क्लास जो हुई थी हमारी, उसमें हमने मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा था कि मेंटेनेंस क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है, आज हम टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही, ये कई बार एग्जाम में आ रखा है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो इसमें चार टाइप है हमारे पास: करेक्टिव ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के दो मेंटेनेंस पढ़ेंगे और आगे के क्लास में ये बाकी के दो मेंटेनेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं करेक्टिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्रेकडाउन मतलब जब कोई मशीन या इक्विपमेंट काम करना बंद कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम जो उसमें रिपेयरमेंट करते हैं, ठीक, वो हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में आता है। ठीक है, तो डेफिनेशन भी देखो इसकी यही लिखी है स्टार्टिंग में कि करेक्टिव मेंटेनेंस इंप्लाइज दैट द रिपेयर्स आर मेड आफ्टर द इक्विपमेंट इज आउट ऑफ ऑर्डर एंड इट कैन नॉट परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन एनी लॉन्गर। जब कोई इक्विपमेंट अपना नॉर्मल फंक्शन करना बंद कर दे, मतलब जो उसका काम है वो वर्किंग करनी बंद कर दे, और तब हम जो उसमें रिपेयर करते हैं, ठीक है, वो करेक्टिव मेंटेनेंस में आता है। अंडर सच कंडीशंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉल्स ऑन द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टू रेक्टिफाई द इफेक्ट। अब होगा क्या, मान लीजिए मशीन आपकी चल रही है, ठीक है, अब वो चलते चलते अचानक रुक गई, या सपोज ये चलते चलते बेल टूट गई। ठीक है, मान लो चाहे वो सीएनसी मशीन है, ठीक है, लेथ मशीन हो या ड्रिलिंग मशीन हो, तो आपको पता है उसमें बेल्ट लगी होती है। सपोज कीजिए एक बेल्ट उसमें टूट गई चलते चलते, तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बुलाएगा। ठीक है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आएगा, उस बेल्ट को रिपेयर कर रिप्लेस ही होगी, वो टूटी बेल्ट लेके चले जाएंगे और नई बेल्ट उस जगह पे लगा देंगे और मशीन अपना काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की वर्किंग हमारी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की होती है। ठीक, द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट चेक्स इन टू द डिफिकल्टी एंड मेक द नेसेसरी रिपेयर्स। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस प्रैक्टिस इज इकोनॉमिकल फॉर दोज इक्विपमेंट्स हुज डाउन टाइम एंड रिपेयर कॉस्ट आर लेस दिस वे दैन विद एनी अदर टाइप ऑफ मेंटेनेंस। अब ध्यान देने की बात यह बच्चों कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वहीं पर यूज़ करना है, ठीक है, या उन्हीं पार्ट्स के लिए यूज़ करना होता है जिनकी कॉस्ट कम होती है, जिनकी रिपेयर कॉस्ट कम होती है और उनको ठीक करने में कम समय लगता हो। तो ऐसी चीज़ों को तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई 5 मिनट में या 10 मिनट के अंदर अगर कोई ठीक हो जा रही है, तो ऐसे चीज़ों को आप ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के थ्रू ठीक कर सकते हैं। ठीक है, वो यही बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस इन्वॉल्व लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, फ्यू रिकॉर्ड्स एंड कॉम्परेटिव स्मॉल स्टाफ। ये किसका एक तरीके का एडवांटेज है कि इस तरीके की मेंटेनेंस में आपको पेपर वर्क कम करना पड़ता है, रिकॉर्ड कम रखने पड़ते हैं और स्टाफ भी थोड़ा रखना पड़ता है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जो मेंटेनेंस का काम है वो तभी करते हैं जब मशीन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो वो आगे की जो मेंटेनेंस, जैसे प्रिवेंटिव और ठीक है प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, वो हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें पहले से क्या करना होता है कि मशीनों के ख़राब होने से पहले मेंटेनेंस करी जाती है। ठीक है, लेकिन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी होते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि जाहिर सी बात है जो रनिंग पार्ट्स होते हैं वो कभी कभी चलते चलते ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो टाइम पर चेंज ना किए गए हों इसलिए। ठीक, टिपिकल कॉजेज ऑफ इक्विपमेंट ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे कुछ ऐसे की पॉइंट देख रहे हैं जिनकी वजह से ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, या किसी की वजह से जो मशीन है वो रुक सकती है, जिसमें पहला आ रहा है लैक ऑफ लुब्रिकेशन। आपके जानते हैं कि जो पार्ट्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स जो होते हैं, उसमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उसमें प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं कर रहे हैं तो वो टूट सकते हैं। यहाँ पर हम एक बाइक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब और बच्चों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कैसे हो रही है। सपोज कीजिए आप चल रहे हैं, बाइक लेके जा रहे हैं, ठीक है, और आपकी क्लच की जो वायर है वो टूट गई। ठीक है, तो चलते चलते आपका जो है बाइक का जो क्लच का फंक्शन है उसने काम करना बंद कर दिया। अब ये थोड़ा समझते रहना, तो वो क्या हुआ, वो आपकी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो गई। अब वो मेंटेनेंस किस वजह से हुई है, तार पुरानी हो गई थी, ठीक है, या उसमें प्रॉपर जब सर्विस हो रही थी उसमें लुब्रिकेशन नहीं लग रहा था। ठीक है, तो ये रीज़न हो सकते हैं। तो इस तरीके का एक एग्जाम्पल आप दिमाग में सेट रखेंगे तो आपका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ध्यान रहेगा कि जब पार्ट्स चलते चलते बंद हो जाए, बाइक में कोई चलते चलते खराबी आ जाए, तो वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में आती है। ठीक है, दूसरा है नेगलेक्टेड कूलिंग सिस्टम। बहुत सारी मशीन्स में कूलिंग सिस्टम का यूज़ होता है जो हाई स्पीड पे काम करती हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होता है तो कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप कूलिंग का ध्यान नहीं दे रहे हैं,
मान लीजिए जो आपका कूलिंग का टैंक है उसमें कूलिंग ही वो कूलेंट ख़त्म हो गया और आप तो भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, तो भी मशीन्स जो है वो ख़राब हो सकती हैं, टूल टूट सकते हैं, तो इस तरीके के ब्रेकडाउन हो सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर सच एज टू लो और टू हाई लाइन वोल्टेज, एक ये भी फैक्टर है। चलते चलते मशीन में मान लीजिए वोल्टेज डाउन हो गए या बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो उस केस में भी मशीन्स में कुछ ब्रेकडाउन, कुछ खराबियाँ हो सकती हैं, ठीक है, कोई सर्किट उड़ जाए, कोई फ्यूज उड़ जाए, कुछ इस तरीके से, तो वो जो आएगा वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नेगलेक्ट माइनर फॉल्ट्स। नेगलेक्ट माइनर फॉल्ट्स का मतलब ये है कि इनिशियल स्टेज में ध्यान ना देना, अगर छोटी मोटी कुछ कमी हो रही है हमने इग्नोर कर दी कि ठीक है अभी चल रही है मशीन, चलने दो बाद में देख लेंगे, है ना, तो ये जो बाद में देखने वाली बात होती है तो ये ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में ही कन्वर्ट हो जाती है। अगर पहले ही ध्यान दे लिया होता, है ना, तो तभी उसको चेक कर लेते, शायद तब मशीन ना रोकनी पड़ती। नेक्स्ट, नेगलेक्ट इक्विपमेंट वाइब्रेशन अनयूजुअल साउंड कमिंग आउट ऑफ रोटरी पार्ट्स और इक्विपमेंट गेटिंग टू मच हीटेड अप एक्सेट्रा। कुछ ये साइंस होते हैं जिनसे हमें पता चलता है, मान लीजिए कोई मशीन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रही है, दूसरा बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है, या कुछ अजीब तरीके की साउंड आ रही है, जैसे मोटर्स में कभी कभी आ जाती है या किसी रोटेटिंग पार्ट में आ जाती है, ठीक है, ये शाफ्ट घूम रही है उसमें से कुछ अलग तरीके का साउंड आ रहा है, जो जैसा नॉर्मल साउंड आता है वैसा नहीं आ रहा, या फिर इक्विपमेंट गेटिंग टू मच हीटेड अप, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जिससे पता चल जाता है कि हाँ कुछ पार्ट्स में दिक्कत है, ठीक है, और हमने इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया तो वो आगे चल के मेंटेनेंस, मतलब वो पार्ट जो है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब वो आगे चल के ख़राब हो जाएगा, फिर हमें ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आए होंगे कि ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से इक्विपमेंट ख़राब हो सकते हैं। अब आते हैं बच्चों डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो पहला है कि इंक्रीज कॉस्ट ड्यू टू अनप्लान्ड डाउन टाइम ऑफ इक्विपमेंट। पहला तो ये हो रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि कब आपको मशीन रोकनी पड़ जाए, अचानक ही ब्रेकडाउन होगा, अचानक पार्ट खराब होगा, अचानक ही मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, उतनी देर मान लीजिए 10 मिनट भी आपको लगी तो वो 10 मिनट में मशीन आपकी आइडियल खड़ी रहेगी और आगे हो सकता है आगे वाली मशीन भी खड़ी रहे अगर चैन प्रोडक्शन हो रहा है तो, ठीक है, तो उतनी देर की आपकी लेबर कॉस्ट प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट यूज ऑफ स्टाफ रिसोर्सेज। दूसरा यही है, स्टाफ का जो आपका है वो कम यूटिलाइजेशन, मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, चाहे वो आपका मेंटेनेंस का स्टाफ ही क्यों ना हो, क्योंकि वो भी तब तक इंतजार कर रहे हैं जब तक ब्रेकडाउन नहीं हो रहे, वरना उस टाइम पे खाली हैं, और जब तक ब्रेकडाउन की मतलब मेंटेनेंस हो रहा है तो ऑपरेटर खाली है, ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट हो गया। तीसरा है रिडक्शन ऑफ आउटपुट, आउटपुट कम हो गया आपको समझ में आई है, ठीक है, जब अननेसेसरी यही नहीं पता किसी भी टाइम में आपके फेलियर हो सकते हैं तो इससे आउटपुट में आपकी कमी आएगी। नेक्स्ट है इंक्रीज चांसेस ऑफ एक्सीडेंट एंड लेस सेफ्टी ऑफ बोथ वर्कर एंड मशीन्स। ये पॉइंट भी बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आपकी मशीन कभी भी अचानक रुक सकती है तो आपके एक्सीडेंट के चांस बढ़ सकते हैं, यानी कि आपकी सेफ्टी को खतरा है, ठीक है। तो आप बाइक वाली बात ही ध्यान दीजिए, मान लो आपको चलते चलते ब्रेक की वायर टूट जाए, सपोज कीजिए आप चेक नहीं उसको करा रहे हैं, या ब्रेक का जो स्प्रिंग है वो कहीं टूट के गिर जाए, ठीक है, या और कोई दिक्कत आ जाए, एक्सेलेटर का वायर खराब हो जाए, तो आप रोड पे चल रहे हैं और सडन कोई इंसिडेंट हो रहा है तो कोई दिक्कत हो सकती है। ऐसी मशीनरी में होता है, हाई स्पीड पर मशीन रन कर रही है, अचानक से कुछ हो जाए, ठीक है, तो ऐसा अचानक से जब कुछ होता है तो वहाँ पे सेफ्टी के जो सेफ्टी है उस पर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, ऑपरेटर को खतरा हो सकता है, मशीन को खतरा हो सकता है, पार्ट्स को खतरा हो सकता है, ओवरऑल तीनों ही केस में नुकसान है, ऑपरेटर को चोट लगेगी तो भी नुकसान है, मशीन में प्रॉब्लम आएगी तो भी नुकसान है, और आपका जो मटेरियल अगर वो ख़राब हो रहा है तो भी नुकसान है, ठीक है, तो ये सारी जो है इसके डिसएडवांटेज हैं, ड्रॉबैक्स हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के। तो मोस्टली तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को अवॉइड ही करा जाता है कि हम ऐसी सिचुएशन ना आने दें कि चलते चलते मशीन रुक जाए, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है बच्चों वो है शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। शेड्यूल्ड मेंटेनेंस क्या है? शेड्यूल मेंटेनेंस के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं कि जो आप ब्रेकडाउन होने के लिए रोक रहे हो, है ना, तो ब्रेकडाउन कैन बी डेंजरस टू लाइफ एंड एज फार एज पॉसिबल शुड बी मिनिमाइज्ड। तब ये ऊपर वाले पॉइंट में आपको समझ में आ गया था, ये छोटा ही टॉपिक है कि ब्रेकडाउन जो है वो डेंजरस हैं, ठीक है, वो अचानक होंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अभी जैसे समझा मैंने हेल्थ को लेके, वर्कर को लेके, मतलब वर्कर की हेल्थ को लेके, मशीन को लेके और मटेरियल को लेके, तीनों ही वे में नुकसान हो रहा है, तो इसलिए हमें इन्हें ब्रेकडाउन को कम करना है।
तो शेड्यूल मेंटेनेंस क्या चीज़ है कि जो जो पॉइंट्स की वजह से ब्रेकडाउन हो रहे थे, अब समझिए बात कि जिन कॉजेस की वजह से ब्रेकडाउन हो रहे थे इनको कम करना है। जैसे लैक ऑफ लुब्रिकेशन की वजह से ब्रेकडाउन हो रहा है तो हमें प्रॉपर टाइम में लुब्रिकेट करना है, ये शेड्यूल्ड में आ जाएगा। देखिए शेड्यूल मेंटेनेंस प्रैक्टिस इनकॉर्पोरेट इंस्पेक्शन लुब्रिकेशन रिपेयर एंड ओवरऑल ऑफ सर्टेन इक्विपमेंट्स विच इफ नेग्लेक्टेड कैन रिजल्ट इन ब्रेकडाउन। मतलब ऐसे पार्ट्स जैसे बेल्ट हो गया, ठीक है, कोई ऐसे नट हैं जो ऐसे यूज़ हो रहे हैं कि जिसकी वजह से मशीन में कोई दिक्कत आ सकती है या ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है, कोई वायर है जैसे क्लच की वायर बोल रहे थे, तो वो बोल रहे हैं ऐसे पार्ट जिनकी वजह से ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो सकती है उन पार्ट्स को प्रॉपर टाइम में प्रॉपर शेड्यूल के साथ जो है हमें चेक करना है, लुब्रिकेट करना है, ठीक करना है, ठीक है, और उनको प्रॉपर वे में हमें सही रखना है ताकि ब्रेकडाउन ना हो। जैसे हमने ऊपर एक एग्जांपल दिया था कि लैक ऑफ लुब्रिकेशन की वजह से मान लीजिए ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो आपको प्रॉपर वे में उस पार्ट को लुब्रिकेट करना है, आपको हफ्ते में करना है, 15 दिन में करना है, लेकिन वो करना है, ठीक है। कूलेंट की वजह से ब्रेकडाउन हो रहे थे तो आपको ये चेक करना है ऑपरेटर को कि जो मशीन का टैंक है वो कूलेंट उसमें भरा है या नहीं भरा है, या लास्ट टाइम कब चेंज करा था उसमें गंदगी तो नहीं है, ठीक है। और जैसे लाइन वोल्टेज हाई हो रहे हैं, अप हो रहे हैं, तो उसके लिए इंडस्ट्री क्या कर रही है कि कुछ ऐसे स्टेबलाइजर या हाईली स्टेबलाइजर यूज़ कर रही है जिससे जो करंट है उसको सैचुरेट किया जा सके या वोल्टेज को सैचुरेट किया जा सके ताकि फ्लक्चुएशन ना हो और मशीनें जो हैं प्रॉपर वे में रन करती रहें, ठीक है। तो मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि जिन कॉजेज़ की वजह से ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो रही थी या ब्रेकडाउंस हो रहे थे उनको हमें देखना है, उनको ही हमें रिपेयर करना है, ठीक है, तो हमारा जो है ब्रेकडाउन नहीं होगा, ये हमारा शेड्यूल मेंटेनेंस में आता है। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस, इसीलिए मैं साथ समझा रहा हूँ क्योंकि वो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, इंस्पेक्शन लुब्रिकेशन एक्सेट्रा ऑफ दीज इक्विपमेंट आर इंक्लूडेड इन द प्री डिटरमाइंड शेड्यूल। आपको जो चेक करने हैं पार्ट्स, लुब्रिकेट करने हैं, इनको पहले से आपको शेड्यूल बना के रखना है कि हम मान लो कूलेंट का टैंक तो ऑपरेटर रोज ही चेक करता है जब मशीन चलाने से पहले कि उसमें भरा है या नहीं भरा है। जो पार्ट्स पे लुब्रिकेट करना है तो उनको कितने दिन में ज़रूरत है लुब्रिकेशन की, मान लीजिए ग्रीस लगाना है या कुछ और लगाना है तो हफ्ते में ज़रूरत है, 15 दिन में ज़रूरत है, 1 महीने में ज़रूरत है, तो वो चीज़ें देखनी है, ठीक है। शेड्यूल मेंटेनेंस प्रैक्टिस इज जनरली फॉरवर्ड फॉर ओवरहॉलिंग मशीन, क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक एंड अदर टैंक। ठीक, मैंने अभी बताई दिया कि ये सारी चीज़ें मशीनों की ओवरहॉल करना, वाटर टैंक की सफाई करना, कूलेंट टैंक की सफाई करना, ये सारी चीज़ें हमारी शेड्यूल मेंटेनेंस में आ जाएंगी, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और शेड्यूल मेंटेनेंस समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। इजी लैंग्वेज में नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, आप आराम से पढ़ के इनको याद कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। आपके कमेंट्स और लाइक से बड़ा सपोर्ट मिलता है, जब बच्चे कमेंट्स करते हैं अच्छे तो अच्छा लगता है पढ़ के कि बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है, इससे मोटिवेशन ही मिलता है मुझको। और आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, जल्दी कल या परसों में ही आ जाएगी अगली क्लास, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि नोट्स तैयार हो चुके हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की अगली क्लास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।